इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि यदि आप रिटेलर हैं, जियो का रिचार्ज करते हैं और जियो का सिम चालू करना चाहते हैं, तो सिम को आपको कैसे फिंगर लगा के अंगूठे से सिम को चालू किया जाता है, फिंगर डिवाइस से कैसे सिम चालू होगा, इससे बहुत जल्दी होता है और कितना कमीशन आता है, सारा चीज़ आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जियो पास प्लस एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद ऊपर जो तीन लाइन दी गई है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जियो आधार KYC को क्लिक करेंगे, उस पर मोबिलिटी को क्लिक करेंगे। मोबिलिटी क्लिक करने के बाद आई एग्री को क्लिक करेंगे और फिंगर डिवाइस को OTG के थ्रू मोबाइल में लगाएंगे। उसके पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि डिवाइस जो है प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, पिन सही से लगा है कि नहीं, ये सब कुछ वेरीफाई हो गया है। उसके बाद आई एग्री एंड कैप्चर पे क्लिक करेंगे और खुद का फिंगर लगाएंगे। जितने भी दुकानदार भाई हैं खुद का फिंगर लगाएंगे। खुद का फिंगर लगाने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से कस्टमर का डिटेल डालना होता है। हम लोग कस्टमर का ऊपर जो है आधार नंबर डालेंगे, तो कस्टमर का 12 अंक का जो भी आधार नंबर है उसको डालेंगे और नीचे दिया हुआ है अदर मोबाइल कलेक्शन का कनेक्शन, इसको नो करेंगे और कस्टमर का फोटो कैप्चर करेंगे और कस्टमर को वाइट बैकग्राउंड वाली जगह पर बैठाएंगे, जहाँ का बैकग्राउंड वाइट होगा वहाँ पर बैठाएंगे और कस्टमर का जो फोटो कैप्चर करेंगे। तो कस्टमर का फोटो कैप्चर हो गया है, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए लग रहा है पिन जो है मिल गया है, तो OTG वाले पिन को सही तरीके से फिर से लगाएंगे और कस्टमर को बोलेंगे फिंगर लगाने के लिए, तो कस्टमर जो है अपने खुद का फिंगर लगाएगा, ठीक है। तो ये जो है डिवाइस मिला का भी कस्टमर का फिंगर कैप्चर करना है। सक्सेसफुली फिंगर कैप्चर हो गया है और ये जो आधार से वेरीफाई हो रहा है, तो आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालेंगे, इसमें जो कस्टमर का अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना होता है, कोई दूसरा नंबर, ये ज़रूरी है। अगर ये नंबर नहीं पड़ेगा तो सिम ये जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन नहीं काम करेगा, तो ये ज़रूरी होता है। तो कस्टमर का नंबर पूछ के उसका नंबर जो है हम लोग डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद से प्रीपेड सिलेक्ट करेंगे और 239 वाला प्लान मैंने कस्टमर को बताया है उसको खोज के सिलेक्ट करेंगे। तो मैं बता दूँ, सिलेक्ट करने के बाद सिम जो है 15 मिनट में चालू होता है। सिम जैसे ही चालू होगा 125 रुपये का कमीशन जो है रिटेलर के वॉलेट में फिर से आ जाता है। रेफरेंस नंबर 1234545 लिखेंगे और ओके पे दबाएंगे। उसके बाद जो है सादे सिम पे स्कैन करेंगे, सिम का QR कोड स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद नंबर अपने आप आ जाता है, मोबाइल नंबर जो है अपने आप आ जाता है। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब खुद का फिंगर लगाएंगे, दुकानदार भाई खुद का अपना फिंगर लगाएंगे, ठीक है। ये खुद का फिंगर लग गया है और उसके बाद जो है ये चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा, सिम का जो है आखिरी 5 अंक डालना होता है, तो लास्ट का 1 अंक छोड़ के बाकी 5 अंक डालना होता है। लास्ट का 1 अंक छोड़ के बाकी 5 अंक डालना होता है। उसके बाद से कस्टमर का फिंगर जो है फिर से कैप्चर करवाएंगे। ये सक्सेसफुली कैप्चर हो चुका है और होने के बाद ये सारा डाटा जो है अपलोड हो रहा है जियो के पास। ये अपलोड होने के बाद कस्टमर से हम लोग कैश लेंगे, कैश को सिलेक्ट करेंगे। कैश को सिलेक्ट करने के बाद ये जो आर्डर जो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और इसके 15 मिनट में सिम चालू हो जाएगा।